टाइम हुआ है 3:30। कपड़े पहन के हम भी एकदम चकाचक, बाल सेट, दाढ़ी कटवा ली है। और कैसा लग रहा हूँ? आई होप बढ़िया। टील ब्लू टी शर्ट के साथ वाइट मैच करने की कोशिश करी है। आई होप अच्छा लग रहा होगा। और मैं आपको रूम टूर देना भूल गया, तो रूम टूर भी जल्दी से दे देता हूँ। ये है बाथरूम, कुछ ऐसा ये यूज कर लिया है। तो ये है हमारी एंट्रेंस, ये थोड़ा लगेज रखने का एरिया, और ये है हमारा प्यारा सा बेड। मुझे सबसे अच्छी इस रूम की लगी पेंटिंग्स। और ये है हमारी बीवी, जो कभी तैयार टाइम पे नहीं होती। यू आर बिफोर टाइम, आई एम ऑन टाइम। यू आर नॉट ऑन टाइम, यू आर बिफोर टाइम लाइक ऑलवेज। तो ये है, ये एरिया है थोड़ा बैठने चिल करने का, बेड से अलग, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि लोग सिर्फ बेड दे देते हैं और बेड में ही सब गंद मचता है। तो ये थोड़ा अलग एरिया है, ये एक्चुअली हमने ढक रखा है बिकॉज बहुत ज़्यादा सनलाइट है, जो कि इसका रूम का जो व्यू है वो कुछ इस तरह है। सामने होटल है, बहुत अच्छा व्यू, एक्चुअली अच्छा है। हमने पीछे एक खाली व्यू था, माउंटेन व्यू, वो नहीं लिया बिकॉज वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह थी। यहाँ पे हमने करा ब्रेकफास्ट, विच वॉज अगर 160 ब्रेकफास्ट दूसरे होटल में, बिकॉज हमारे होटल में 180 का मिल रहा था, और उस टाइम ऐसी भूख थी नहीं कि हम लोग 20 भात भी एक्स्ट्रा खर्च कर सके, बट इट वॉज गुड एक्चुअली। बाकी स्नेहा ने सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट किया, तो स्नेहा तुझे कैसा लगा? इट वॉज गुड, अच्छा था। बस ये कि हम 3 दिन से ऐसा ही खा रहे, तो थोड़ा बोरिंग सा लगा। हाँ, और ऊपर से हमने फिर वहां का, स्नेहा ने खाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ जूस पिया वहां पे, तो इसने ही सब कुछ ब्रेकफास्ट किया। फिर उसके बाद हम लोग आए स्विमिंग करने गए, स्विमिंग की कुछ क्लिप्स बनाई है स्नेहा के फोन से, वो मैं डाल दूंगा। ऊपर से फिर मतलब एक्चुअली हम लोग यहाँ पहुंच गए थे कुछ 8 बजे, और चेक इन टाइम था 2 बजे का, तो हमारे पास मतलब पूरा जो दिन था हमारे पास पूरा खाली था, उसमें कुछ करने के लिए था नहीं, क्योंकि लगेज पड़ा हुआ था, हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते थे, फ्रेश हुए नहीं थे, नहाए नहीं थे, स्विमिंग करी थी, बट वही है ना, जब तक अच्छे से खुद से नहाओ ना, बाथरूम वाली फील ना आए, तब तक फिर मन नहीं करता। टाइम अभी 3:30 हुए हैं, तब तक हम लोगों ने आई थिंक 1:30 बजे के अराउंड चेक इन किया है, तो 1:30 बजे से हम लोग बस कपड़े वगैरह रेस्ट वगैरह कर रहे हैं, चिल मोड पे हैं अभी। अब टाइम हुआ है तो अब जा रहे हैं बिग बुद्धा, क्योंकि हम यहाँ 3 दिन के लिए हैं फुकेट में। और आपको दिखाता हूँ बालकनी व्यू, ये अच्छी इसकी बालकनी है यहाँ से, ये हमने कपड़े सुखाए हुए हैं। ये रिपटोंग हमारे होटल का नाम, और दैट्स आर स्कूटी, द ब्लैक वन, सेकेंड वन, दिस वन इज आर स्कूटी। ये हमने ली है 200 पर डे के लिए, 2 दिन के लिए, तो विच इज़ 400। और यहाँ से जस्ट लेफ्ट सॉरी राइट में ही इसकी शॉप है जहाँ से हमने रेंट की है। बाकी नाउ वी आर गोइंग टू बिग बुद्धा, और यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी हैं एक्चुअली, देखो अंकल। पर अच्छा है होटल ना, सामने सामने, एज इन ज्यादा सामने भी नहीं है, बट मतलब वाइब अच्छी है, जैसे कहीं अलग ही दुनिया में है, एक्चुअली अलग ही है, बट अच्छा लग रहा है, एज इन ग्रीस टाइप की ना, थोड़ा वाइब ग्रीस या पता नहीं कहाँ की वाइब आ रही है, थाईलैंड से अलग। और एक्चुअली मतलब यहाँ से बहुत, ये पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बस इन्हें निकाल के घर ले जाऊँ, ऐसा ही कुछ, ऐसा ही डेकोरेशन, सीलिंग लाइट्स, और ऐसे ही कौन सा इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो वैसा ही पैटर्न लेके चलूँ अपने रूम के लिए भी। बाकी हाँ, ग्रे पेंट, चॉकलेट, ठीक है, चलो अब चलते हैं तैयार होके बिग बुद्धा, फिर मिलते हैं बिग बुद्धा में ही। सो नाउ टाइम इज 5:10, हम लोग पहुंच गए हैं बिग बुद्धा। मैंने आपको बाइक अपनी दिखाई नहीं, तो ये रही हमने जो रेंट करी है बाइक, दिस इज द बीस्ट 200 थाईबाद में हमें मिली है पर डे, 200 थाईबाद। और कैसा लगा स्नेहा? बहुत अच्छा।
रास्ता बहुत अच्छा था, रास्ता बहुत अच्छा। हाँ तो अब चलो चलते हैं। एक अच्छी बात है यहाँ पे, आई थिंक पार्किंग भी फ्री है और एंट्री भी फ्री है, तो दिस इज़ समथिंग गुड कि रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं चार्ज कर रहे ना टूरिस्ट को या कुछ। हाँ बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी जो मैंने नेट पे भी पढ़ा कि यहाँ पे अगर आना है तो यू शुड ड्रेस अप्रोप्रिएटली, नो ऑफ शोल्डर, नो नी लेंथ, ऐसा कुछ। मतलब लेडीज़ के लिए है, आई डोंट नो, मैं भी टी शर्ट इसलिए पहन के आया, उसने अभी इसलिए पहन के आई, बट इसने जीन्स पहनी, मैंने सिर्फ शॉर्ट्स पहने, तो आई डोंट नो ये सिर्फ जेंट्स के लिए है या लेडीज़, मतलब सिर्फ लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए भी है। तो लेट्स सी, दिस इज़ द बुद्धा स्टैचू, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ब्राइटनेस बहुत कम कर रखी थी बिकॉज शाइन मार रहा है पूरा, तो लेट्स सी, ये रहा पीछे से इसका व्यू। हाँ तो कुछ ऐसा है ये, नो शॉर्ट पैंट, मिनी स्कर्ट, क्रॉप टॉप, टैंक टॉप, स्ट्रिप, स्ट्रैपलेस एंड वाइड नेक। एंड इसकी टाइमिंग है 6:30 AM to 6:30 PM। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, बाकी अभी तक का इट्स गुड। तो ये है बिग बुद्धा, ओके, थाईलैंड। और यहाँ पे मंकीज भी आई थी। हाँ तो जो लोग, जो लड़कियाँ मिनी स्कर्ट्स या क्रॉप टॉप्स में आई हैं, तो उनके लिए ये सरोंग भेज रहे हैं, दे रहे हैं फ्री, आई थिंक फ्री है। सच सच बताइयो, मुकरियो मत अपने आंसर से। 1 किलो रुई ज्यादा हैवी है कि 1 किलो लोहा? लोहा ही हैवी होगा यार। वेरी गुड, 1 किलो लोहा रखो, रुई तो इट्स वेरी लाइट ना, 1 किलो ही है, पर रुई विल बी लाइटर। कोई नहीं, द सेम वे जैसे आप बताते हो ना कि इतना ग्राम अगर फैट है और मसल है तो मसल अच्छा होगा। सुन रहे हो, सुन लो दिमाग में कितने हैं इसके, कितना भरा हुआ है दिमाग, खाली 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 दिमाग से आ गया। तो कुछ ये है, यहाँ से ये आने का रास्ता है, ये बिग बुद्धा, टूवर्ड्स बिग बुद्धा का है। यहाँ पे कुछ इनके अपने चैंट्स चल रहे हैं, लोग यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जला के अपनी, so far.
No, no boon. No boon, maybe boon. No, no boon. बांग्ला स्ट्रीट, टाइम हो गया है 11 बज गए। आपने पटोंग बे का तो रास्ता देख ही लिया होगा, मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं। तो मैंने वहाँ पे इसलिए कुछ कब बोला नहीं और सीधा वीडियोस बनाई, बिकॉज वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था। तो ये अभी हमारे इधर छोटी सी स्ट्रीट मार्केट है, बांग्ला, आई थिंक बांग्ला स्ट्रीट ही है, मुझे नाम याद नहीं है। तो यहाँ पे हमने पहली बार वो ट्राई कर रहे हैं, क्या कहते हैं, लॉबस्टर ट्राई कर रहे हैं हम लोग। और स्नेहा ने एक फ़िश मंगवाई है, पता नहीं कैसी होगी। मैं लॉबस्टर पहली बार ट्राई करूँ, फ़िश मैंने खाई है, स्नेहा बनाती है बहुत अच्छी। तो स्नेहा एक्साइटेड, मैं इतना पता नहीं यार, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर अच्छा नहीं लगा ना, मैं पूरा खाना छोड़ दूँगा। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट फूड, बट मैं वैसे ट्राई ट्राई बहुत कम करता हूँ चीज़ें। अब हमारा प्लान था एक्चुअली इंडियन रेस्टोरेंट में जाने का, फिर इसने बोला चल लॉबस्टर खाते हैं, मतलब इसने भी कभी खाया नहीं था। मैंने कहा चल, इसी एक्साइटमेंट में कि इसने नहीं खाया तो मैंने कहा चल मैं भी खा के देखता हूँ, दोनों का फर्स्ट टाइम लॉबस्टर ट्राई करते हैं। वैसे गोवा वगैरह में ही, मतलब मैंने सुना है कि वहाँ पे होता है, मेरा वही था कि जाए, बट चल थाईलैंड आए हैं तो थाईलैंड में ही सही। थाई फूड नहीं है वो सी फूड है, और क्या कहते हैं, थाई का भी हमने मना ही कर रखा है, इसीलिए मैंने स्पेशली कोट किया कि वो थाई फूड में नहीं है, क्योंकि हमने इंडियन फूड उसको स्पेशली बोले कि इसे इंडियन की ही तरह बनाना, थाई भाई कोई सॉस मत डालना। क्योंकि हम जब से आए हैं यहाँ पे या तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, थाई फूड तो बिल्कुल खाया ही नहीं हमने। एक बार ज़रूरत पड़ी थी, वो भी सिर्फ चावल टूसे, और बाकी हम मैगी वगैरह घर से लेके आए हुए हैं, चिकन और ये सब भी हमने यहीं से ही खाया है इंडियन रेस्टोरेंट से।